बनी, नानी का फोन आया था, हाँ मामी को है ना डॉक्टर अंकल लेके गए हैं और बॉस बेबी आने वाला है। आहू आहू, आज हमारे घर में कौन आने वाला है? आज हमारे घर में, गाइस मैंने आपको बताया था, मतलब आप लोगों ने ब्लॉग तो देखा होगा कि भाभी प्रेग्नेंट थी, तो बस अभी थोड़ी देर में न्यूज़ आने वाली है कि क्या हुआ है, बॉय हुआ है या गर्ल हुई है, जो भी है एडमिट कर लिया है डॉक्टर ने, सब कुछ बॉय होगा बता दिया भाई, तो सब कुछ ठीक है। अभी डॉक्टर ने सब कुछ अच्छे से बोला है कि सोनोग्राफिक रिपोर्ट भी बहुत सही आई है, तो देखते हैं आगे क्या होगा, तो जो भी होगा मैं आपको अपडेट देती रहूंगी। आप लोग अगर इंस्टाग्राम पे, तो एक बार वहां पे जाके आप हमको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सअप पेज मैंने डाल रखा है, व्हाट्सअप पे रिधान वर्ड के नाम से है, तो आप जाके हमको वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे हम लोग हर मोमेंट का अपडेट देते रहते हैं, हर एक चीज़ का अपडेट देते रहते हैं, तो प्लीज़ आप हमको वहाँ ज्वाइन करें और बनी रहिए हमारे साथ। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। रहा नहीं जा रहा यार, मतलब होप कुछ क्या बोलते हैं उसको, अंदाजा क्या। डॉली के टाइम पे आपने बॉय बोला था, मैंने गर्ल बोला था, तो गर्ल हुई थी। इस बार मैं तो प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि बॉय गर्ल गर्ल। डॉली के टाइम पे उल्टा, डॉली इस टाइम इज ओवर। मैं आपको बता दूं अभी भी न्यूज आई है और इट्स अ बेबी गर्ल। इस बार मैं हार गई हूँ इनसे और यस बेबी गर्ल हुई है, और इधर रोए जा रहे हैं जब से, इनको गुस्सा आ रहा है बहुत, मुझे बॉय चाहिए था, मैं किसके साथ खेलूंगा। बेबी गर्ल के साथ खेलना, वो जब ऐसे पकड़ के तुमको ऐसी पिट्टी लगाएगी ना, तब मुझे बहुत मजे आएंगे। हाँ तो मैं शेयर करूंगी, और अगर आप लोग मेरे से व्हाट्सएप पेज पे नहीं जुड़े तो प्लीज व्हाट्सएप पेज पे जुड़ो, क्योंकि वहां पे मैं सारी अपडेट देती हूँ। सबसे पहले मेरी जो ये न्यूज थी वो भी वहीं आई थी कि क्या हुआ है, क्या फोटोज वगैरह, तो आप प्लीज वहां पे जाके व्हाट्सएप पे से जुड़िए, रिधान्स वर्ड के नाम से है व्हाट्सएप। ऐसा हो रहा है बस, अब मैं कब जाऊँ कब देखूँ उसको, तो देखते हैं कब जाते हैं, क्योंकि रिधान के आ गए हैं एग्जाम, ये आ गई है उसकी शीट, अब कब जाना होगा। एक बेटी है। What did you get for? वेलकम बेबी, और बेबी गर्ल के लिए हम आपको दिखाते हैं कि हम पूरे सुबह से जोरों शोरों में लगे हुए हैं, मैं और हनी और बनी, हम तीनों ने इतनी मेहनत करी ना जी भर के कि हमको है ना टाइम ही नहीं मिला है कुछ और सोचने का, बस सुबह से डेकोरेशन और खाना पीना बस ये सब चल रहा था। मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से डेकोरेशन हम लोगों ने किस तरीके से करी है, यानी करवाई है किसी से, और ये बाकी डेकोरेशन हम लोगों ने करी है, और भागा दौड़ी तो पूरी हुई है, और मैं दिखाती हूँ हनी भाई सब क्या कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं और डेकोरेशन कैसा हुआ है। बस वेट करें दिल से बेबी आ जाए और दिखाते हैं आपको। सो ये देखिए हनी भाई साहब यहाँ पे लेटे हुए हैं, बनी भाई साहब भी लेट के साथ ऑफिस का काम कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए ये है बेबी के वेलकम का डेकोरेशन, और ये हम लोगों ने ये सजाया है बाहर का हॉल, इस तरीके से डेकोरेट किया है। आप देख सकते हैं 11:30 हो गए हैं और भाभी को डिस्चार्ज मिल चुका है, और अब फटाफट से बोलो कभी भी किसी वक्त भी घर आ जाएंगे। और ये देखो टन 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 बोलूंगी नहीं मैं, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा सॉन्ग का। और ये देखिए इस तरीके से हम लोगों ने पूरे रूम को डेकोरेट करवाया है, और कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे ये बेबी के परिवार के जितने भी हम सब लोग जो सतमासी पे मिले थे सबका यहाँ पे हैंड प्रिंट है, और हम यहाँ पे बीच में बेबी को लिटाएंगे, देखो कितना प्यारा लगेगा ना मेरी बच्ची के लिए। तो आ चुकी हैं हमारी बुआएं, दोनों बुआएं। करी ना मेहनत बढ़िया, हाँ इसने पूरी मेहनत करवाई है यार। तो फिर जाता तो कह रहा था मैं आऊंगा नहीं, मैंने कब बोला, तूने कहा था मैं छोड़ के, अब वो आ जाएगी गाड़ी लेके, इधर का भी देख ले।
आइए पधारिए तानी की मम्मी जी। छोटी सी प्यारी सी नन्ही ये प्यारी सी नन्ही सी आई कोई ऐसी अच्छी सी आई कोई परी झूलती रहे गाते मुस्कुराते संगीत की तरह माँ के गीत की तरह सी आई कोई सी अच्छी सी आई कोई सॉरी 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 एक वेलकम डोली फूल फूल तुम लड़ लो है ना गोदी तो पूरी बना रखी है तो गोदी तो सही कर अपनी तो गोदी कैसे सही होती है देख कैसे बना रही है अरे तो गोदी कैसे सही होती है लेना लेना मामा जाना होता अगली बार से चाचा चाचा मामा तो आपकी औलाद क्यों अरे डाल मत देना ब्लॉग में आप यस इसको देख के दूसरा करने की इच्छा है इनको देख के नानी माँ की सेवा महसूस नहीं आ रहा और चाय रखिए इधर हमारी चोनी बेटी के तकिए का छुप मुहूर्त हो गया है ये पहनाएंगे अभी देखो मेरे गुटके की पहली मालिश नहीं पहली मालिश एक मोटा हाथी पुपू करने गया उस एक मछली तालाब में क्या पानी में गई छपाक दो मछली पराठा खाया सुबह निकला छपाक पूजी पूजी हाथी को घुमाओ अभी क्या ये भूखे पाली कर देंगे गर्दन खुलेगी लेडीज क्या हो रहा है क्या लिखूं दिमाग ऐसा हो रहा है दिमाग बस नहीं घूम रहा है मेरा क्या बना रही हो घी से मखाने चल रही हूँ मेरे लिए भी थोड़े तुम कौन हो बच्चा पैदा करो अरे यार कर लिया इतना बड़ा हो गया नहीं और करो खाना है तो और करो इतना बड़ा हो गया मेरी औलाद बहुत बड़ी हो गई है मेरे लिए बनाओ रामचंद्र जी वन में कृष्ण भगवान जेल में और हम साल नहीं होते बड़ा बड़े दुख की बात है बंद कर ब्लॉग चालू नहीं हुआ कि बंद कर नहीं मेरे को तो बनानी है रील अच्छा रील बनानी है तो गाइस रील देख लो ना इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना प्रज्ञा @4 पे हमारे यहाँ बेमाता की पूजा होती है तो हमारी बेमाता बनाई जाती है और पापा बेमाता बना रहे हैं ये देखो इस तरीके से
बहुत अच्छा बच्चा है। टाइट करने वाला नहीं, वैसे वाला ना, गांड वाला है। ये धागे ऐसे खुल जाते हैं बच के। अच्छा, ओहो, वाह वाह, मैं बोल रही हूं, कमाई 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 ले लिया। अरे आंटी थैंक यू, पूरे पैक बना सकती हो आप। लो पकड़ो, भगवान ने भैया कहां है भैया? क्या यार, मैं खोल रही हूँ, मैं पैक कर अपने यार। अरे फाड़ना नहीं यार, तभी तो ये लगे इनका लेवल, हम तो काम ले तुम्हारा। क्यूट है। चलो चलो, मैं तो टी शर्ट ही लाई थी, मेरी तो पारी लग रही है। रोरसम देखो देखो, रोरसम मैं तो ये लाई हूँ। टा कुची पुची, इसके पापा के लिए क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। इसके पापा की इज्जत नहीं है अब। तू लाई है? मैं जाऊँ क्यों? अच्छा हाँ हाँ हाँ, और मेरा आइटम तो आपको पता ही है मैंने क्या क्या दिया है। बड़ी बड़ी है, बाबा ये भी बहुत सुंदर। अभी येलो येलो आ गई क्या इसकी? अच्छा, और कोई कलर ही नहीं आया। कितने सुंदर ये, और ये कितनी प्यारी है, लग रही है ये तो। दादी का पिटारा बन रहा है इसका, तो खत्म नहीं करना। येलो कलर नहीं लाना, येलो कलर नहीं लाना, बहुत हो गया येलो। चौथा जने कल पहनेगी। अब तो आ जाओ, हाथ लगा, कितनी सुंदर लग रही है। हां भाभी ये देखो, ये ना ना ना, बस अपनी बस बस बस।